अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैथमेटिक्स ग्रेड 5 की रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके कुछ सवालात बाकी हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो 7 क्वेश्चन है, व्हाट आर द रूल्स फॉर दीज पैटर्न्स। ये पैटर्न्स दिए हुए हैं ABCD, इनके रूल्स बताने हैं। और आल्सो फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच पैटर्न, हर पैटर्न की अगली 3 टर्म्स भी बतानी है। तो पहला पैटर्न है 50, 100, 150, 200, ये पैटर्न है एडिशन का, और इसका रूल है एडिंग बाय 50। तो हर अगले नंबर में 50 ऐड हो रहा है, तो 200 के बाद होगा अगला 250, 300, 350। अब पैटर्न बी है 180 से स्टार्ट हो रहे हैं और नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं। कैसे डिक्रीज हो रहे हैं? बाय सब्ट्रैक्टिंग 15 हो रहे हैं। देखें 180, 165, 150, 135, इससे अगला होगा 120, 105 और 90। अगले 3 डिजिट आदाद आ गए हैं इस पैटर्न के। इस पैटर्न का रूल है सब्ट्रैक्टिंग बाय 15, इसका रूल है एडिंग बाय 50 या एडिंग 50, इसका है सब्ट्रैक्टिंग 15। अब अगला है 18, आगे है 90, आगे है 450, आगे है 2250। देखें ये पैटर्न है मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ ये हर अगला अदद 5 से मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं। देखें 18 5 90 को 5 से जब मल्टीप्लाई, यानी 9 को 5 से करेंगे 45, ज़ीरो ऐड हो जाएगा। अब 450 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगला डिजिट आएगा, इसका रूल है मल्टीप्लाइंग बाय 5। अब हम इस डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई, 5 0 0 0, 5 5 0 25, 2 कैरी, 5 2 10 प्लस 2 12, 1 के 5 2 2 10 प्लस 1 11, 11,250। इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, चौथा आ जाएगा, चौथी टर्म। फिर 5 से करेंगे पांचवी टर्म, 5 से मल्टीप्लाई करें अगली टर्म आ जाएगी। बहुत आसान है, 5 का टेबल आपने 5 तक जहन में रखना है। अब अगला पैटर्न है 6,100,000, 10 रिमूव हो गया, 610,000, अगला है 61,000। तो ये इसमें पैटर्न में रूल यूज़ हो रहा है डिवाइडिंग बाय 10। जब किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो राइट साइड से 10 रिमूव हो गया, ये 6 डिजिट नंबर है। फिर 10 रिमूव हुआ, 5 डिजिट। अब 10 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 4 डिजिट। फिर 10 से डिवाइड करेंगे 610, फिर 10 से डिवाइड करेंगे 61। तो रूल है डिवाइडिंग बाय 10, मल्टीप्लाइंग बाय 5। ये क्वेश्चन 7 के रूल्स और अगली 3 टर्म्स हमने लिख ली हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 मेंटल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में है, कि 10 और 10 की पावर से जब किस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसके साथ क्या होता है, यानी उसका जब किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम 10 आंसर है तो 10 1s are 10 आएगा। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10s are 100, 10 के साथ ये 10 का 10 ऐड होगा, 100 बन जाएगा, 10 1s are 10। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वही आंसर सेम होता है। अब 10 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1000 है, यानी 3 जीरोस चाहिए, हमारे पास 10 है, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरह 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 10,000। अब इसका उलट है डिवीजन का प्रोसेस, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 10 से डिवाइड करें, यानी उसका 10 ड्रॉप हो तो 1000 है। इसका मतलब है यहाँ पर ऐसा नंबर हो जिसके साथ 4 बार 0 10 ड्रॉप हुआ, जवाब आ गया 1000। दूसरा इसका तरीका ये है, ये जो हमारे पास डिवाइज़र है इसको इससे क्वेश्चन से मल्टी आंसर से 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000। लेकिन
उसूल क्या है, उसूली तरीका यह है कि आप यहाँ पर ऐसा नंबर दें जिसको 100 से मल्टीप्लाई किया है तो उसके दो ज़ीरो ड्रॉप हो गए, यहाँ दो ज़ीरो हैं तो हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसके साथ 4 times 0, इसका भी 10,000 को 100 से डिवाइड, 10,000 को 10 से डिवाइड करेंगे 1,000, 10,000 को 100 से डिवाइड करेंगे 100, 10,000 को 1,000 से डिवाइड करेंगे 3 ज़ीरो ड्रॉप हो जाएंगे, बाकी 10 बचेगा, यहाँ भी 10,000। अब 10,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1, 4 ज़ीरो ड्रॉप हो जाएंगे आंसर आएगा 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ओरल है। ऑब्जर्व द गिवन टेबल्स, ये दो टेबल्स दिए हैं, एंड फाइंड द रूल्स ऑफ पैटर्न गिवन इन देम। टेबल ए में पोजीशन है पहली 40, टर्म है 2, फिर 84, फिर 126, 168। इन तमाम में एक इस नंबर को 20 पे डिवाइड किया है, दूसरे भी रूल यहाँ पर है डिवाइडिंग बाय 20 टू गेट द नेक्स्ट टर्म। 40 को 20 पे डिवाइड किया, 80 को 20 पे डिवाइड किया 4, 120 को 20 पे डिवाइड किया 6, 160 को 20 पे डिवाइड किया 8 आंसर आ गए। 160 को 20 पे डिवाइड करके देख लें, 160 डिवाइडेड बाय 20 मतलब ये है, ये 160 जीरो 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 से ड्रॉप होगा, 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 8। यानी डिवाइडिंग वाले डिजिट्स यहाँ पर 16 और 2 हैं, जीरो जीरो से ड्रॉप होगा। अच्छा, अब अगला है बी पार्ट इसी क्वेश्चन 13 का। पोजीशंस हैं 1, 2, 3, 4, आगे टर्म्स हैं 10, 20, 30, 40, बहुत आसान है, मल्टीप्लाइंग बाय 10 है रूल। 1 10s are 10, 2 10s are 20, 3 10s are 30, 4 10s are 40, तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 इसका रूल है। तो क्वेश्चन 13 तक हो गए, अब हमारे पास 4 क्वेश्चंस बाकी हैं इस एक्सरसाइज के, 9, 10, 11 and 12। तो ये चारों ऑपरेशंस के बारे में है, जो नंबर ऑपरेशंस हैं उनको हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है, इनके नैरेटिव क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम समझेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के हैं। तो अगले सबक में हम ये 4 सवाल करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज के, इस तरह यूनिट 1 कंप्लीट होगा। तो अगले सबक में हम रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलामु अलैकुम।